हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो है अप्लाइड केमिस्ट्री का बनाया जा रहा है, भाग सातवां है, सातवां पार्ट बनाया जा रहा है आपकी डिमांड पे। लेसन फोर है, ठीक है, लेसन थ्री फोर हो कुछ भी कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है। टॉपिक आज का अपना है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और दोस्त, यहाँ से आपके पाँच नंबर के क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी चांसेस रहती है। अगर आपका लक सही रहा तो भाई पाँच नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो और मैं बिल्कुल आसान भाषा में आज बताने वाला हूँ तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, अर्थात वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत है, वीडियो एंड तक देखना, इस बिना स्किप किए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देख सकते हो लेसन थ्री लिखा गया, लेकिन उससे कोई डरना बात नहीं, अगर किसी के दिमाग में कीड़ा नाच रहा तो चलो यार सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को चार भाग में बांट दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो चार भाग में बांटा गया, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, कुछ चीजें हम उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए यस ब्लॉक के तत्व, यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में जाए, ठीक है, यानी कोई तत्व है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में चला जाए, तो उस तत्व को यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट ए तथा वर्ग फर्स्ट ए तथा वर्ग सेकेंड ए तत्वों को यस ब्लॉक तत्व कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत आते हैं। यस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, अगर बात करें एन एस वन और एन एस टू होंगे। कहने का मतलब इनके लास्ट में या तो वन एस टू, टू एस टू, ठीक है, या इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, जैसे कुछ तत्वों के बारे में आपको बताया जाएगा कौन से, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर बी, सी एस और एफ आर, इन सब। जैसे देखिए हाइड्रोजन का वन होता है प्रण का वन एच वन लास्ट में, और फिक्स है वन एच वन, मतलब वन एन एस वन, एन का मतलब एन बैरी करेगा, एक दो तीन चार पाँच, या एन एस टू आएगा तो एन एस वन आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो थ्री होता है लिथियम का वन एस टू, टू एस वन। 11 होता है सोडियम का वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस वन। पोटेशियम का 19 होता है वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस वन, इस तरीके से लास्ट में आएंगे। इसी तरीके से गाइस आपका 37 का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 55 सी एस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आपका एफ आर 87 नंबर पे आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हो जाता है। कहने का मतलब लास्ट में जिसके एन एस वन आते हैं उसको एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब इनको पहचानने की क्या तरीके हैं, कुछ नियम है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है यस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म के बारे में, जैसे क्या यस ब्लॉक के तत्व के बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो एन एस वन या एन एस टू होता है, इतना तो आपको पता चल गया। फिर ध्यान दीजिएगा, वर्ग फर्स्ट ए को के तत्वों को क्षार धातु बोलते हैं, और वर्ग सेकेंड ए के तत्व जो होंगे उसको क्षारी मृदा धातु कहते हैं। क्षार धातु क्यों कहते हैं भाई, क्षारी मृदा धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि मृदा में अधिकतर ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, इस कारण से आपका होता है। अब यस ब्लॉक की अगर बात करें संयोजकता की, संयोजकता मतलब क्या, अब देखो गाइस यहां वन एस वन दिखाया गया, वन एस टू की बात करोगे, देखो हाइड्रोजन जो चलता है वहां पर बेरिनियम बोर मतलब बेटा मांगे मतलब बेरिनियम और मैग्नीशियम और सी आर और इस तरीके से आपके जो चलते हैं वहाँ पे लास्ट में वन एस टू आते हैं, ठीक है ना, उस कारण से आपका ये चीज़ हो जाती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्त, तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो उसी कारण से एन एस टू उस वाले में आएगा, इसमें एन एस टू आ रहा है तो आप कर सकते हो, उसके बगल में ही आवर्त सारणी बनती है, आवर्त सारणी भी हम बनाना बता देंगे किसी वीडियो में। तो अगला देखिए, संयोजकता एक इसकी होगी, अगर क्षार धातु की बात करें तो एक होगी, क्षारी मृदा धातु की दो होती है। अब देखिए यक्ष धातु, यस धातु के बारे में और यस ब्लॉक के बारे में जानिए। यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना धन विद्युतीय होते हैं, यानी ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। और क्या है, यस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन धातु और धातु दोनों का गुण रखता है, इसी कारण से उसमें नहीं आते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक देखो, बहुत छोटा छोटा मैंने बताया, बिल्कुल आसान भाषा में। अगला है पी ब्लॉक, आप जानेंगे अब पी ब्लॉक क्या होता है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक देखो, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाए, बहुत आसान है यार, पी उपकोष में जाए, यस का करेंगे यस में जाए, डी का करेंगे डी में जाए, डी के लिए दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अभी देखना, पी उपकोष में जाए, तो उसे
पी ब्लॉक और उस तत्व को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उसको पी ब्लॉक बोलेंगे जिसमें जाएगा उपकोष को, और वहां पे पी ब्लॉक के तत्व कहे जाएंगे। अब देखिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो NS2 होगा, फिर NP126 होगा, NP126 होगा। अब यहाँ यन तो ये बदलते रहेंगे लेकिन ए वाला यन भी बदलता रहेगा, और यहाँ 1 से 6 तक भी बदलते रहेंगे। जैसे देखिए पहले पॉइंट में क्या यहाँ पे कह सकते हो, आवर्त सारणी के दाहिने तरफ 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, इस तरह यहाँ पे है, इस तरह से आपका देखो, इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है। ये आपका यस होता है, लास्ट में पी होता है, बीच में डी होता है, नीचे एफ होते हैं। तो इस तरीके जो आपका यहाँ पे हो गया ना, लास्ट में होते हैं, तो इसमें इसके अंदर क्या कहते हैं, थर्ड ए आता है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवन ए, तथा शून्य समूह, साथ में शून्य समूह भी आता है, के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये याद कर लेना, 3 से 8 तक 7 तक और साथ में शून्य समूह। पी ब्लॉक के तत्वों की संख्या टोटल 31 होती है, 31 होती है। देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार, मतलब थोड़े दिखाए, हालांकि 31 होते हैं लेकिन 31 हमने नहीं दिखाया, हमने कुछ बता दिए जैसे आपके काम हो जाए। जैसे देखिए एल्युमिनियम का हम देखते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है परमाणु क्रमांक, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1। अब देखा हमने क्या कहा दोस्त, हमने ए कहा लास्ट में क्या होंगे, NS2 होंगे, तो एन की जगह एन बैरी करेगा तो 3s2 हो जाएगा, तो NS2 होगा। NP126 तो 3p1 हुआ ना, देखो 3 यहाँ पे P1 126 इधर बरी करेगा, यन का मान होगा। तो उसी तरीके से सिर्फ देखो 13 14 15 16 17 18 तक का बताया गया, तो 18 तक बताएंगे तो सिर्फ सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपने देखा ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक, चलिए आइए कुछ और चीजें के बारे में हम बात करते हैं, जैसे पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म क्या है, किस किन नियम के फॉलो करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, सबसे पहला क्या, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2 1p126 होता है, जो हमने पहले बता दिया ये बातें। फिर देखिए पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु तथा उपधातु, तीनों प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, तत्व पाए जाते हैं, उसमें धातु भी आएंगे, मेटल आएंगे, नॉन मेटल भी आएंगे और उपधातु भी आएंगे। अब देखिए पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, अधिकांश ज्यादातर करके ऋण विद्युतीय होते हैं, तथा ये ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अगला क्या है, पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड अम्ली भी हो सकते हैं, क्षारी भी, तथा उभयधर्मी भी होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अम्ली, क्षारी, उभयधर्मी भी हो सकता है। अब देखते हैं पी ब्लॉक की संयोजकता, ठीक है, बैलेंसी। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता जो होती है, बैलेंसी 1 to 4 के बीच में होती है, 1 to 4 के बीच में होती है पी ब्लॉक की संयोजकता। तो इतनी बात रही गाइस पी ब्लॉक की। अब हम चलेंगे दोस्त डी ब्लॉक की तरफ, जो कि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए डी ब्लॉक की तरफ, देखिए डी ब्लॉक आपके सामने ए रहा। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1d, ध्यान दीजिएगा N-1d उपकोष में जाता है तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1d1-10 NS2 होता है। अगला बात रही डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि यस व पी उपकोष के मध्य स्थित होता है, क्योंकि यह क्या होता है, जो डी ब्लॉक होता है यस और पी मध्य के, मतलब उपकोष के मध्य में, बीच में डी ब्लॉक स्थित होता है। ठीक, इस तरह देखो, इस तरह यस होता है, यहाँ यस होता है, इधर पी होता है, बीच में जो पड़े रहते हैं दस, मतलब डी होते हैं आपके। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को समंकरण तत्व कहते हैं, क्योंकि यस और पी के बीच स्थित रहते हैं। अगला चलते हैं, आवर्त सारणी में 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, एट ए, फर्स्ट ए, ध्यान देना दोस्त यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, आप यही कंफ्यूजन खा जाओगे। थर्ड से स्टार्ट होता है, एट तक जाता है, फिर पुनः 1 2 चलने लगता है, 1 2, फर्स्ट बी सेकंड बी के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब समझ लोगे तभी पेपर में कंफ्यूज खा जाओगे क्या है। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, तथा इनकी संख्या कितनी है जानते हो, 40 है। अब देखिए इनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए जा रहे हैं, हालांकि और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ही को करने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन है उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे 21 का कर लो, 21 का कर लोगे तो 21 SC होता है, तो आपका क्या जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो इस तरह से आपका 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब 22 में 3d2 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 3d3 के बाद यहाँ देखो 4s1 हो जाता है, फिर इसके बाद 3d5 चला जाता है। ठीक, हालांकि यहाँ 4s2 होगा लेकिन 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, यहाँ अपवाद है, इसी को अपवाद, इसेप्शन बोलते हैं इसको, क्रोमियम का और एक कॉपर का, ये दो चीज़ें
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कोई अपवाद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कच्छक भरने चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से अपवाद वाले को मैंने बता दिया, बीच वाला भर लेना अपना। इसी तरीके से इसका भी करोगे तो फिर यहाँ से फिर सीरियल बाई आएगा, फिर इधर करके एक चलेगा, इधर टू हो जाएगा, फिर से चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर जब आओगे 4S1 हो जाएगा 3D10, जबकि यहाँ 9 आना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा दोस्त, क्योंकि यहाँ पे भर जाते हैं और यहाँ पे बाद में भरने चालू होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यह चीज़ अपवाद होती है। एक कार्बन और क्रोमियम अपवाद है, आप किसके नियम, आप बाहु नियम के, और 30 और भी अपवाद हो सकते हैं। 30 जिंक की होगी तो देख सकते हो बिल्कुल सेम है, बना लोगे आसानी से, ये चीज़ें आप बना के भर सकते हो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप नेट से सर्च कर सकते हो, नहीं तो टीचर से पूछ सकते हो, या आपको आता है तो अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए डी ब्लॉक के सामान्य गुणधर्म के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तहत कहलाएगा कि कैसे पहचान करोगे। तो देखिए सभी इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, सबसे बड़ी बात यही कि सब धातु होते हैं, धातु नहीं होते इसके अंतर्गत। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनका डी उपकोष अपूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रंगीन पदार्थ आपको दिखे, रंगीन यौगिक दिखे, तो यानी वो रंगीन आयन उसमें होंगे और वो डी ब्लॉक के तत्व से बना होगा, क्योंकि इसमें रंगीन इसलिए होता है क्योंकि डी ब्लॉक का जो उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है, पूरे रूप से भरे नहीं होते। चलिए और कुछ चीज़ें जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाहर के दो उपकोष अपूर्ण होते हैं। इनकी जो संयोजकता होती है यानी बैलेंसी होती है वो फिक्स कभी नहीं होती, वो बदलती रहती है। क्योंकि गाइस इनके जो बाहर के दो उपकोष होते हैं ना वो अपूर्ण है, वो भरे हुए नहीं अच्छे से, ठीक है। तो ये रही आपके डी ब्लॉक के बारे में। चलिए अगला कुछ देखते हैं। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, और चौथा पॉइंट आपका ए रहा, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ए उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। परिवर्ती इनकी जो संयोजकता होती है यानी बैलेंसी होती है वो हमेशा वेरिएबल्स है, इस कारण से कैटालिस्ट के श्रेणी में आते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए और हमको मिले एक पांचवा पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट टाइप का, समझ लो ये पांचवा पॉइंट से पहचान कैसे करनी है। डी ब्लॉक के तत्व जटिल आयन व जटिल यौगिक बनाते हैं, बहुत जटिल आयन और जटिल यौगिक बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब इसी हाथ लगे हाथ या ब्लॉक की भी हम जानकारी ले लेते हैं। यह ब्लॉक में इसमें दो बातें हैं जिसमें आपको लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट यहां से आता है। यह ब्लॉक यानी सब इंपॉर्टेंट है, इन चार टॉपिक्स पढ़ोगे इसमें से कोई एक जरूर पेपर में आने के पूरी जरूरी चांसेस रहते हैं। तो यह ब्लॉक के तत्व के बारे में हम समझते हैं। देखिए जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F, अगर डी ब्लॉक की बात किए थे N-1D किया गया था, अगर F की बात करेंगे तो N-2F उपकोष में प्रवेश करता, उपकोष का बात किया जा रहा है, उपकोष में प्रवेश करता, उसे यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस तत्व के तीन बाह, ठीक है, इस तत्व के तीन बाह कोष अपूर्ण होने के कारण इन्हें, इनके तीन कोष जो होते हैं बाहर के अपूर्ण होते हैं, इस कारण से इसको आंतरिक संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन 4F अथवा 5F में भरने के अनुसार 5 ब्लॉक के तत्वों से दो श्रेणियां निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से 4F और 5F में भरने के अनुसार यहाँ से दो श्रेणी निकलती है, एक तो आपकी 4F श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी, एक 5F श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी। तो सबसे पहला दोस्त हम जानेंगे लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है, तो आइए देखते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। इस श्रेणी में वे तत्व आते हैं जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, इसके में अंतर्गत वही आएंगे जिसके विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4F में उपकोष में प्रवेश करेंगे। इस श्रेणी में 14 तत्व हैं, जो आपके लेंथेनाइड में 14 तत्व हैं। यह श्रेणी LA यानी 57 परमाणु क्रमांक है, LA से 71 यानी LU तक फैली होती है। इन्हें 4F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इनका रासायनिक व्यवहार लेंथेनम, ठीक है, इनका मतलब ये जो सभी 14 इसमें 14 सब होते हैं, इनका जो रासायनिक व्यवहार लेंथेनम से मिलता जुलता है, ठीक है, इन्हें लेंथेनम से मिलता है इसलिए लेंथेनाइड से नाम के भी जानते हैं। और साथ में इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, ठीक है, मृदा में लगभग आसपास पाए जाते हैं तो दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। और ये जो श्रेणी होती है, जैसे आपका इस तरह देखो बनेगा, इधर यस हो जाता है, ये बीच में खाली होकर आपका डी बनता है, फिर इधर करके इधर पी बनता है, ठीक है, यस पी डी, और डी से दो तत्व से एल ए और एक दूसरा कौन सा एक्टिनाइड से, इन दोनों से निकल के दो बाहर की तरफ श्रेणियां होती है, इन्हीं को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं। अब दोस्त लगे हाथ हम जान लेते हैं एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में समझिए। एक्टिनाइड श्रेणी इस श्रेणी में वे तत्व आते हैं जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है।
इस श्रेणी में वे तत्व आते हैं जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में 14 तत्व ही होते हैं तथा यह श्रेणी 89 AC से 103 LR तक फैली होती है। दोस्त इसको याद करने, सब कुछ तो याद हो गया लेकिन एक पॉइंट याद करोगे सब कुछ हो जाएगा। सबको तो आपको पता 4F में जाना चाहिए 5F में, लेकिन यहाँ याद कर लेना इसके लिए LA 57 से लेके 71 और इसका याद कर लेना LA 57 होता है, LU 71 होता है, ये तक फैली होती है। दूसरा इसका याद कर लेना 89 AC से लेके 103 LR तक फैली होती है, ताकि आपका एक एक पॉइंट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ जाए और सामने वाले को इंप्रेशन बन सके, ठीक है। इस श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका रासायनिक व्यवहार जो होता है सबका एक्टिनम AC से मिलता जुलता है। AC को एक्टिनम बोलते हैं और LA को लेंथनम बोलते हैं, इससे मिलता जुलता है इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी दिया गया। इतनी बातें हो गई। अब हम एक चीज और जान लेते हैं, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे कि आपके जो बुक्स हैं उसमें कई इस तरह से आवर्त सारणी दी गई होंगी लेकिन मेंडलीव वाला आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को बारे में जानते हैं, या तो इसको एक नाम और जानते हैं संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं, तो मेंडलीव की या मोजले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोजले नामक वैज्ञानिक इसको दी थी, मोजले एक वैज्ञानिक है, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना गया, जो कि इस समय यूज हो रही है, ठीक है। मोजले ने क्या किया, परमाणु के क्रमांक के बहुत सारे वैज्ञानिक दिए लेकिन इन्होंने परमाणु क्रमांक के दिए थे और इसी को हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। एक लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ होती है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में 7 36 कालम होते हैं जिन्हें आवर्त बोलते हैं और 9 ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं जिन्हें वर्ग बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 36 मतलब इस तरह से आपकी 7 लाइनें गई हूँ, 7 बॉक्स और ऊपर से 9 बॉक्स में भरे होते हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो। अब देखो अगला टॉपिक इसी में है आवर्त, ठीक है, आवर्त क्या होते हैं, ठीक है, आवर्त क्या होते हैं, आवर्त के बारे में जानिए। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा कि आवर्त में पहले आवर्त में 2 तत्व पाए जाते हैं, दूसरे और तीसरे में 8 8 तत्व, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 18 तत्व पाए जाते हैं, छठे की बात करें तो 32 तत्व पाए जाते हैं, सातवां जो आवर्त होता है अपूर्ण होता है जिसमें कि 28 ही तत्व सिर्फ पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग की, वर्ग की थोड़ी चर्चा हो जाए, वर्ग में क्या होंगे। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या अगर बात करें तो 9 होती है, 1 से 7 तक वह शून्य समूह भी सम्मिलित होते हैं। शून्य समूह में अक्रिय गैसों को रखा जाता है, जो अक्रिय होते हैं किसी से क्रियाशील नहीं होते, जैसे हीलियम नियान इस तरह की गैसों को। आठवें तथा शून्य वर्ग को छोड़कर सभी तत्वों को 2 उपवर्गों में बांट दिया गया, आठवें तथा शून्य उपवर्ग को छोड़ के सभी वर्ग को 2 उपवर्गों में बांट दिया गया, ठीक है। एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों की जो गुण होंगे वो सब समान होते हैं। पांचवा पॉइंट आपका ये रहा वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनके बाहर के 2 उपकोष अपूर्ण होते हैं। ये रहे 5 टॉपिक आपके और इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, जिसे संशोधित आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखो इतने पॉइंट बस आपको बताने हैं, किसके अंदर परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई, कितने 36 कालम कितने ऊर्ध्वाधर कालम वो बताने हैं। आवर्त के बारे में कुछ ये सब जान लो, पहले में 7 होंगे, 7 आवर्त होंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8 8, तीसरे में 8 8, चौथे पांचवें में 18 18, छठे में 32, सातवां अपूर्ण 28 होता है। कुछ बातें यहाँ पर रही, इसको समझ लिया तो समझो मेंडलीव की सब कुछ बारे में समझ लिया। तो यहीं पर इस वीडियो का समापन होता है, वीडियो लगभग 20 मिनट के आसपास बनी, तो काफ़ी डाउट्स हमें आपने क्लियर किए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से पॉलिटेक्निक के रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अब भी कोई इससे डाउट्स या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है तो वहाँ से भी कोई डाउट्स पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।